हेलो एंड वेलकम टू द ईजेड क्लासेस। आज का टॉपिक इस वीडियो के लिए जो चूज किया है हमने वो है मल्टीप्लायर, बेसिकली केन्जियन मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिस नाम से वो जाना जाता है। लेकिन केन्स पहले शख्स नहीं है जिन्होंने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था, बल्कि इससे पहले सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट अगर किसी शख्स ने दिया था तो वो है एफ ए कान। इनका मल्टीप्लायर जो है वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहलाता था। पहले इस बात को समझना जरूरी है कि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट अपने आप में है क्या। जैसा कि इससे नाम से ही क्लियर होता है कि यानी किसी मल्टीपल की बात हो रही है, यानी किसी एक्टिविटी के रिजल्ट में कोई दूसरी चीज अगर बाय अ सर्टेन मल्टीपल बढ़ती है तो वो मल्टीप्लायर है। कान का मल्टीप्लायर जो था वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था, जो ये सजेस्ट करता था अगर इकोनॉमी के अंदर इनिशियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा गया, बेसिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो उसके रिजल्ट के तौर पे सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ जाएगा, दैट वाज द मल्टीप्लायर, बाय दैट विल इंक्रीज बाय अ सर्टेन मल्टीपल। कीन्स ने इस मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को यूज किया कि इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट के तौर पर इकोनॉमी में इनकम कितनी जनरेट होगी, वो यानी हाउ मेनी टाइम्स an increase in income will take place as a result of undertaking the initial investment. यानी economy के अंदर अगर investment होता है, suppose 100,000 करोड़ का investment हुआ economy के अंदर, तो 100,000 करोड़ का जब investment हो रहा है तो economy की income 100,000 करोड़ ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि it will increase manifold. For example, ये 300,000 करोड़ बढ़ गई, तो इसका मतलब जो है multiplier की value 3 है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इनकम जो है वो इकोनॉमी में बढ़ेगी बाय ए मल्टीपल, विच मल्टीपल वैल्यू इज हियर 3, यानी 3 टाइम्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम विल टेक प्लेस, दैट वाज द कॉन्सेप्ट। इसको अगर केन्स की मेथोडोलॉजी में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आई विल हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम। यानी केन्स की आइडेंटिटी एग्रीगेट डिमांड की आपको मालूम है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टू दिस यू कैन एड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड यू कैन गो ऑन एडिंग द नेट एक्सपोर्ट ऑल्सो, बट आई एम नॉट एक्सटेंडिंग इट अप टू दैट। केन्स जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि केन्स ने एम्फेसाइज किया था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, कि गवर्नमेंट ही है जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट बोरोइंग से कर सकती है, गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग से करती है। और जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो कोई भी होगा, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उसके एक मल्टीपल के बराबर इनकम इकोनॉमी के अंदर जनरेट होगी, उसी के बराबर नहीं होगी। यानी अगर आप कहें कि कंजम्पशन 100 बढ़ा तो इसके हिसाब से इनकम जो है 100 ही बढ़ेगी, नॉट एट ऑल, इनकम जो है 100 से कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। यानी अगर 2 है तो 200 बढ़ेगी, अगर वैल्यू मल्टीप्लायर के 3 है तो 3 गुना बढ़ेगी। यानी मल्टीप्लायर जो है बेसिकली ये आपको बता रहा है कि कितनी चेंज होगी इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ द इनिशियल चेंज इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट हुआ बढ़ा तो उसके नतीजे के तौर पर कितनी इनकम बढ़ेगी, तो ये आपका मल्टीप्लायर है। ओके, तो सपोज एग्रीगेट डिमांड ये है और एग्रीगेट डिमांड ही नेशनल इनकम को डिटर्मिन करती है एक तरह से, कि अलॉन्ग विद द एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम कॉन्स्टेंट और एक मानते हैं इन द सेंस कि वो उसमें शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो रही है। अगर आप सपोज यहां पर नेशनल इनकम अगर आप ले लें और यहां पर आप लें एग्रीगेट डिमांड, तो यहां से अगर हम एक सीधी लाइन डाल लें 45 डिग्री की, यानी दैट व्हेन दैट एग्रीगेट डिमांड इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड द, बिकॉज दैट विल रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम। सपोज ये एग्रीगेट डिमांड है आपकी, ओके, एग्रीगेट डिमांड है विच इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नाउ इफ इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट और ये हुआ, यानी ये क्या है C+I+I' जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, इतना,
अगर हम इसको ए कहें और इसको बी कहें, तो ये बी ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अच्छा, पहले इनकम लेवल क्या था इकोनॉमी का? ओ वाई लेवल। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट तो कुल इतना बढ़ रहा है, लेकिन इनकम कितनी बढ़ रही है? वो बढ़ रही है वाइड दिस डिस्टेंस, दिस इज द इंक्रीज इन इनकम। सो दिस इज श्योरली ग्रेटर देन दिस बी ए डिस्टेंस, दिस बी ए मैग्नीट्यूड। सो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या बता रहा है? इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके रिजल्ट में नेशनल इनकम कितने गुना बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर। ओके अच्छा, ऐसा क्यों है कि इनकम जो है वो बढ़ेगी बाय ए मल्टीपल, नॉट बाय इक्वल टू द एग्जैक्ट अमाउंट जो जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। भाई अगर आइडेंटिटी पे जाए तो जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उतनी होनी चाहिए, लेकिन केन्स का कहना था कि इनकम बढ़ेगी एक कई गुना बढ़ जाएगी उससे। ये इसलिए होता है कि केन्स का कहना यह था कि जब इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर तो वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी जो है उनकी इनकम को इंक्रीज करेगा। यानी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ इनिशियली, तो ये 100 करोड़ जो है ये कहां पहुंचे? टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। यानी किसी को लेबर की वेज की शक्ल में पहुंचा, किसी को कैपिटल के इंटरेस्ट की शक्ल में पहुंचा, किसी ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो ये 100 करोड़ जो है इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नाउ ये लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, ये लोग जब उस पैसे को खर्च करेंगे तो उससे फर्दर डिमांड जनरेट हो रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि इससे इनकम फिर जनरेट हो रही है। अच्छा, तो जब वो उसको खर्च करेंगे तो और दूसरे लोगों के पास वो इनकम जाएगी, वो उस पर खर्च करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर इसमें क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी सपोज 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ओके इसको हम करोड़ में ले रहे हैं, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इनिशियली इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 100 करोड़ के बराबर इनकम जनरेट हुई इन द फर्स्ट स्टेज, देन दोस पीपल जिनके पास वो इनकम पहुंची वो उसको खर्च करेंगे। वो उसको खर्च करेंगे कैसे, इस पर डिपेंड करता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू क्या है। बाय द वे, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इंक्रीज इन कंजम्पशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। सपोज ये वैल्यू जो है 0.8 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की 10 रुपए इनकम बढ़ी तो उसमें से 8 रुपए वो कंजम्पशन पर खर्च कर देगा और 2 रुपए सेव करेगा। ओके तो यदि पूरी इकोनॉमी का अगर एग्रीगेट की बात करें तो ये 100 करोड़ जो है वो इकोनॉमी में पहुंचा, तो वो 80 करोड़ जो है उसमें से खर्च हुआ। जब 80 रुपए खर्च हुआ तो और दूसरे सेक्शन के पास लोगों के पास पहुंचा, फिर 80 का 8% और आप निकाल लीजिए, वो होगा ओके। वो लोग भी खर्च करेंगे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू जो है वो उसको कर रही, और इस तरह से आप उसको जोड़ते चले जाएंगे और आप पाएंगे कि इनकम जो एक्चुअल जनरेट हुई वो जब इन सबको जोड़ देंगे इसके एग्रीगेट को, तो उससे पता चलेगा कि इनकम जो है वो कितनी एक्चुअल बढ़ी। ओके इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू मल्टीप्लायर जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं वो डिपेंड काहे पे करती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू पर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, इसका मतलब इंक्रीज इनकम का ज्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो लोग कंजम्पशन पर खर्च कर रहे होंगे और ज्यादा तेजी के साथ पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू कम होगी तो कंजम्पशन पर कम खर्च होगा, इनकम कम जनरेट होगी। तो अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम पे होता है तो उसकी आइडेंटिटी फिर ये बनती है 1/1 - MPC। यानी अगर एमपीसी 0.8 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/1 - 0.8। ओके यानी 0.2 इज द सॉरी 1/0.2, और 0.2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे 1 को तो कितना आएगा?
5, ओके, यानी अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू जो है वो 0.8 है, यानी बढ़ी हुई इनकम का इकोनॉमी में 80% खर्च होता है कंजम्पशन पर, तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई होता है तो उसका 5 गुना इनकम बढ़ेगी। अगर 100 रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 500 रुपए, 100 करोड़ हो रहा है तो 500 करोड़ रुपए। अच्छा, इसी तरह आप ये देख के देख लीजिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू कम है तो ये कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0.5 है तो ये होगा के इज इक्वल टू 1/0.5 और दिस 1/0.5 विच इज इक्वल टू 0.2, राइट, सॉरी दिस इज इक्वल टू 2, राइट। दैट मीन्स अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है तो इकोनॉमी में 200 रुपए की इनकम जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब जो है हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अच्छा, एक चीज और दिमाग में रखिए कि चूंकि 1 माइनस एमपीसी बराबर होता है एमपीएस के, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लायर इज के इज इक्वल टू 1/MPS, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, या कन्वर्सली स्पीकिंग एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। यानी सीधी सीधी सी बात है, या तो इनकम खर्च होगी या सेव होगी, ओके। अच्छा, तो अगर एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, एमपीसी की वैल्यू कम है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। एक चीज और दिमाग में रखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, चाहे वो नेट का एग्जाम हो चाहे दूसरे एग्जाम हो, स्पेशली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि रेंज क्या होगी मल्टीप्लायर की या एमपीसी की रेंज क्या होगी। तो एमपीसी की वैल्यू आपको मालूम है, इट रेंजेस बिटवीन 0, एमपीसी जो है इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ओके। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू चूंकि एमपीसी पे डिपेंड करती है, तो अगर एमपीसी 0 है जो कि उसकी एक्सट्रीम लिमिट है, यानी उतनी नहीं होगी, लेकिन अगर 0 मान लिया जाए तो मल्टीप्लायर की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 1/1, सॉरी क्योंकि एमपीसी 0 है तो 1/1 हो जाएगी, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू 1। और अगर आप मान लीजिए कि एमपीसी इज इक्वल टू 1 तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि इट विल बी 1/1 विच इज इक्वल टू 1/0, ओके। तो लेकिन चूंकि एमपीसी 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो रेंज करेगी वो रेंज करेगी बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी। तो ये चीज आप याद रखें कि मल्टीप्लायर क्या चीज है, लॉजिक क्या है कि जब हम ये कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम बढ़ेगी बाय ए मल्टीपल ऑफ दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और क्यों एमपीसी पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, ये चीजें याद रखने की है, उसकी रेंज क्या होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। तो गाइस ये सफिशिएंट है मल्टीप्लायर के लिए। एक चीज और इसमें है, वो मैं समझता हूं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर वो किसी पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक में ज्यादा फिट होगा, यानी जो ये कहता है कि अगर पूरे के पूरा इन्वेस्टमेंट है विच इज दैट इज फाइनेंस बाय द टैक्सेस, यानी गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया बजाय इसके कि गवर्नमेंट ने बारोइंग से किया हो या गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा मनी क्रिएशन से किया, गवर्नमेंट ने पूरे के पूरा टैक्स लगाया, तो यानी एक तरफ से लोगों की इनकम कम करी तो कंजम्पशन वहां पर कम होगा और दूसरी तरफ से बढ़ा दिया, तो क्या बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में क्या इफेक्ट होगा। तो इतना बताई देता हूं, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे किसी उस पर, कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होती है। तो मल्टीप्लायर के लिए आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी।